गाइस ये भाई मिले थे हमको गुफा के अंदर, जो पूछ रहे थे कि आपकी यूट्यूब चैनल है। और भाई गुफा के अंदर गर्मी नेक्स्ट लेवल की है, और जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल मत आना अंदर गाइस। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आधा घंटा भी नहीं खड़े रहे और आधा घंटे के अंदर अंदर हमारा नंबर लग गया। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग हैं महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन में। तो गाइस यहाँ पे टोटल 12 मंदिर है, मतलब ये लोग बोल रहे हैं, और ये 12 मंदिर पे घुमाते हैं, लेकिन मेन जो है वो 4-5 मंदिर है, जैसे कि महाकाल ज्योतिर्लिंग और मतलब काल भैरव मंदिर, बाद में वो महाराजा का सिंहासन की जगह है वहाँ पर, और ऐसे सब लोग मतलब ऐसे 4-5 जगह जो मेन है। फिर भी हम लोग मतलब यहाँ पर ऑटो में एक साथ ही होता है 12 मंदिर, तो हम लोग निकल चुके हैं 12 मंदिर, लेकिन आप लोगों को मैं 4-5 मंदिर के एक्सप्लोर करूँगा जगह, और क्योंकि 12 मंदिर का एक्सप्लोर करने बैठूँगा तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से ऑटो में, और यहाँ पे हम लोग मंगलनाथ मंदिर में रुके थे दर्शन करने के लिए। विक्रम बेताल का पेड़ माता पार्वती घाट का लगा हुआ मौजूद है, घाट किनारे सुपर्णा नदी के यहाँ पे लटकता था विक्रम बेताल। दूर है यार, अरे सामने नदी है। तो गाइस हम लोग बचपन में जो सीरियल देखते थे ना विक्रम बेताल, वो जहाँ पे उल्टा लटकता था ना वो पेड़ यहाँ पे है, तो चलते हैं देखने के लिए। तो गाइस ये वाला पेड़ है, तो गाइस अभी हम लोग आ गए उज्जैन के काल भैरव मंदिर में, जो यहाँ के मेन मंदिरों में से एक है। और गाइस आज देखो पब्लिक बहुत ज़्यादा कम है। और गाइस पता नहीं ये सब लोग क्या कर रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं ऊपर, पता नहीं क्यों। कर क्या रहे भाई ये लोग। तो गाइस यहाँ पे है राजा भरतरी गुफा, तो चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस ऑटो वाले भैया बोल रहे थे कि राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे राजा भरतरी, और राजा भरतरी ने यहाँ पे जो गुफा है ना उस गुफा के अंदर 12 साल तपस्या की थी, तो वो गुफा देखने चलते हैं। तो गाइस राजा का नाम था राजा भरतहरी, तो मेरे से कोई गलती हो रही हो बोलने में तो माफ़ कर देना। मंदिर के अंदर गर्मी नेक्स्ट लेवल की है भाई। भाई पता ही नहीं चल रहा किस तरफ है मेन। Oh
और भाई गुफा के अंदर गर्मी नेक्स्ट लेवल की है, और जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल मत आना अंदर गाइस, पसीने से पूरा भीग चुका हूँ। तो गाइस ये भैया मिले हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि आपके यूट्यूब चैनल है, लिखो ना यूट्यूब पे आ जाएगा, सिग्नल नहीं है भैया, ऊपर जाके आ जाओ। मिस्टर राजेंद्र गोस्वामी, मिस्टर राजेंद्र गोस्वामी। तो भाई गुफा के अंदर हालत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, और सांस भी बहुत ज़्यादा फूल चुकी है। गाइस ये भाई मिले थे हमको गुफा के अंदर, जो पूछ रहे थे कि आपकी यूट्यूब चैनल है। Excuse me boss, you have a text message. ठीक है ना भैया, चलो थैंक यू। तो भाई वो भाई मिले थे हमको गुफा के अंदर, तो उन्होंने पूछा कि आपकी यूट्यूब चैनल है, तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने पूछा कि नाम क्या है, तो मैंने नाम बताया और चैनल को सब्सक्राइब करके दिया। तो उन्होंने बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब करके दो, तो थैंक यू भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो आप, और मुझे पता है कि वो ज़रूर से देख रहे होंगे, तो थैंक यू। और गाइस सच्ची में बताऊँ तो जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो वो बिल्कुल भी अंदर मत जाना गुफा के अंदर नीचे तक, क्योंकि पसीने में हालत ख़राब और सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही थी अंदर, और अभी भी मेरी थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और गाइस पब्लिक देखो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है, पब्लिक बहुत ज़्यादा कम है गाइस। तो ऑटो वाले वहाँ बाहर छोड़ते हैं और उसके बाद यहाँ पे चल के जाना पड़ता है। और गाइस हम लोग आए हैं नेपाल से घूम के, और नेपाल के पीएम यहाँ पे घूमने आए हैं उज्जैन के अंदर, क्या बात है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आधा घंटा भी नहीं खड़े रहे, और आधा घंटे के अंदर अंदर हमारा नंबर लग गया और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आराम से दर्शन कर लिए। तो जैसे महाकाल जी के दर्शन हुए वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के कोई भी मंदिर में दर्शन हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम से हम लोगों ने दर्शन किए, और मैं आई थिंक अंदर 10 मिनट तक खड़ा रहा था, और बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो चुके। तो जय महाकाल।